ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं विधानसभा का और बताते हैं आपको कि आज सदन में बजट सत्र के दौरान क्या कुछ रहा खास। तो सरकारी और निजी उपक्रमों में रोजगार के सवाल को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। निजी क्षेत्र में रोजगार देने के सवाल पर उद्योग मंत्री घिरते हुए नजर आए। हंगामा बढ़ता देख तीन तीन मंत्रियों को मोर्चा संभालना पड़ गया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर ने बताया कि 23 सरकारी उपक्रमों में जनवरी 2014 से 2015 तक 9,610 लोगों को रोजगार दिया गया। निजी उपक्रमों में रोजगार की सूचना राजकीय उपक्रम ब्यूरो नहीं रखता। वहीं 2016 में 23 सरकारी उपक्रमों में 9,557 नियुक्तियां प्रस्तावित है। उद्योग मंत्री के जवाब पर डोटासरा ने सवाल करते हुए कहा कि सीएम ने 6 लाख रोजगार देने का दावा सदन में किया, जबकि यहां पर गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। आज मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए और ये दे इसलिए नहीं पाए कि वास्तव में इन्होंने केवल 9,610 लोगों को ही निजी और सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरियां दी हैं। इसलिए जब नौकरियां ही नहीं दी तो ये थोती वाई वाई लूट रहे हैं। बेरोजगार आज पूरे प्रदेश का जो इनसे इतना खफा है कि वो उग्रवादी बनने की ओर जा रहा है। मैं समझता हूँ सरकार इस मामले में बिल्कुल थोते वादे किए और उन वादों पर खरा नहीं उतरी। वही कोटा में संस्थानिक जमीन का कन्वर्जन कर फ्लैट की मंजूरी देने के मामले में उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर को भाजपा विधायकों ने घेर लिया। भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल ने ही मंत्री के जवाब पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि कोटा में ओम कोठारी को संस्थानिक जमीन पर 500 फ्लैट बनाने की मंजूरी किस नियम के तहत दी गई। गुंजल ने आरोप लगाया कि धनपति के प्रभाव में आकर संस्थानिक जमीन का आवासीय में कन्वर्जन कर दिया गया। रीको के नियमों में जमीन को आवासीय में बदलने का अधिकार है ही नहीं, तो फिर कैसे कन्वर्जन कर दिया गया। और इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि पिछले 10 साल में कोटा में 3 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। मंत्री ने तीनों क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों का विवरण देना शुरू कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला और आगरा की तर्ज पर नसीराबाद के छावनी क्षेत्र में से कुछ इलाकों को निकालकर नगरपालिका बनाने के लिए राज्य सरकार केंद्र के पास अब प्रस्ताव भेजेगी। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक राम नारायण गुर्जर ने मामला उठाते हुए नसीराबाद छावनी क्षेत्र को नगरपालिका बनाने की मांग करते हुए इलाके के लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया था। इसके जवाब में यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार नसीराबाद छावनी में से कुछ इलाकों को डिनोटिफाइड करवाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। छावनी क्षेत्र को डिनोटिफाइड करने का काम केंद्र का है। इसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी है और इसमें वक्त लगता है। 13 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नसीराबाद छावनी क्षेत्र में से कुछ इलाका डीनोटिफाइड करवाकर इसे नगरपालिका बनाने के लिए अजमेर कलेक्टर से प्रस्ताव मांगा भी गया था, लेकिन कलेक्टर ने प्रस्ताव की जगह पत्र का जवाब भेज दिया। अब अजमेर कलेक्टर से फिर से प्रस्ताव मांगा जाएगा और केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार केवल सेशन जज को ही है, लेकिन सूरजगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष ने कई लोगों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिए। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने यह मामला उठाया। श्रवण कुमार ने कहा कि सूरजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। श्रवण कुमार ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है, जिसके जवाब में स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह ने कहा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सेशन जज के पास ही है, लेकिन कई नगरपालिकाओं में परंपरा चल रही है जहां कुछ नामा बनाया जाता है। नगरपालिका अध्यक्ष ही नहीं, उपाध्यक्षों तक ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए हैं।
वहीं विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक पर भी बहस हुई। घनश्याम तिवाड़ी ने ही विधेयक पर सवाल उठा दिए। तिवाड़ी ने कहा कि इस बिल की जरूरत ही नहीं थी, वहीं सरकार विद्युत स्वतंत्रता अधिकार का विधेयक लेकर आया जाए, ऐसे तिवाड़ी ने कहा। वहीं फीडर सुधार पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला, राजस्थान को ही लूट कर खा गए। वहीं सीएजी से इसकी स्पेशल ऑडिट करवाई जाए। बिजली कंपनियों में सलाहकारों पर घनश्याम तिवाड़ी ये कहते हुए नजर आए तो दूसरी तरफ कई रिटायर्ड आईएएस सलाहकार बने बैठे हैं जो कि गुपचुप मीटिंग करके फैसले कर लेते हैं और मंत्री को पता तक नहीं चलता, फिर मंत्री से दस्तखत करवा लिए जाते हैं। ये मामला बेहद गंभीर है। तिवाड़ी पूरे तरीके से यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनका ये कहना था सरकार का काम केवल लाभ कमाना नहीं होता, निजी हाथों में सौंपना समाधान सिर्फ नहीं है, वहीं निजी क्षेत्र को लाभ के तहत काम देना, बिजली कंपनियां इसे लगातार घाटे में आ रही हैं, ये समाधान कहीं से भी नहीं है। और क्या स्वाधीनता के लिए इसलिए बलिदान दिए थे मल्टीनेशनल लूटकर ताकि ले जाए, इस तरीके से यहां पर तिवाड़ी लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। चलिए खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।